The 100th episode of PM Modi's monthly radio address will air at 11 a.m. today. The radio program will also be aired live at the United Nations headquarters in New York. In London also, the Indian community will host a special broadcast of the 100th episode of Mann Ki Baat. Meanwhile, in India, Union Ministers Rajnath Singh and Prahlad Joshi, alongside party office bearers and karyakartas, will listen to the 100th episode of Mann Ki Baat at the BJP headquarters. While Amit Shah will listen in Mumbai, we also bring you a throwback picture of PM Narendra Modi at a radio station years ago. On that note, my colleague Shrishti is joining us live on the broadcast. Shrishti, good morning. The 100th episode of Prime Minister Modi's monthly radio program is all set to be broadcasted worldwide today. Please bring us the latest on the same, considering it will also be broadcasted in the UN as well and also in the UK. Well, definitely across the countries, PM Modi's Mann Ki Baat will be broadcasted today, and it's a 100 episode. It marks 100 episode today, as Mann Ki Baat has been a major outreach, citizen outreach program by Prime Minister Narendra Modi, and it is quite successful as well. And today, right now, I'm standing here at Raj Bhavan, Governor's Raj Bhavan in Mumbai, Maharashtra, wherein Governor is felicitating those people who have been mentioned by Prime Minister Modi in his Mann Ki Baat program. Let's try and talk to them regarding their personal experience and how did they feel when Prime Minister mentioned them. Sir, thank you for connecting with us. Aap bataiye aapke kaam ke bare mein bataiye aur aapko kaise mehsoos hua jab Prime Minister ne aapka naam mention kiya Mann Ki Baat mein. Main Abhijit Dhondphale, sculptor hoon Pune se, aur lagbhag 22 saal pehle maine eco friendly Ganpati ki movement chalu ki thi. जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से गणपति बनते हैं और जिनको हम हमारे वाटर रिजर्वर्स में विसर्जित करते हैं, तो प्लास्टर इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो उससे बहुत प्रदूषण फैलता है, तो इसके खिलाफ ये काम चालू किया था. मैं अकेला ही था तब, और कैसे ये मोदी जी के पास पहुंच गया मेरा नाम मुझे भी पता नहीं, लेकिन मैं काम कर रहा था. तो उन्होंने जब नाम मेंशन किया, तो उसके बाद में ये इतना बढ़ गया है काम कि सर्वदूर वो पहुंच गया, और अभी सब को पता है कि हमें इको फ्रेंडली गणपति बिठाने चाहिए. ये अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के तरफ ये जाता है, और इसमें आगे और भी कुछ काम हुआ है. लास्ट 7 इयर्स आई वाज वर्किंग ऑन अ मिक्सचर फॉर दिस इको फ्रेंडली गणपति. तो इसी महीने के 6 तारीख को, 6 अप्रैल को, मुझे उसका पेटेंट भी मिल गया है, और ये शायद किसी स्कल्प्टर को मिला हुआ पहला पेटेंट है. तो और ये मिक्सर मैं पूरे लोगों को समर्पित करने जा रहा हूँ. इनिशिएटिव टूवर्ड्स एनवायरमेंट एज वेल. सर, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस. सर, आप बताइए, आपने कोविड के दौरान काम किया है, पेशे से डॉक्टर है, क्या बताना चाहेंगे आपकी कारकिर्दी के बारे में, और कैसे लगा था आपको जब आपको प्राइम मिनिस्टर ने मेंशन किया? मैं डॉक्टर आरटी बोरसे, आई एम वर्किंग इन द बीजी मेडिकल कॉलेज एंड ससन हॉस्पिटल पुणे. जब 2019 में कोविड ने हिट किया पूरे दुनिया को, भारत भर में भी ये हिट हो कोविड फैला हुआ था, पुणे में भी काफ़ी फैला हुआ था. तो जैसे जैसे वो पेशेंट बढ़ना चालू हो गए थे, बेसिकली ये बीमारी के बारे में किसी को पता नहीं था. एवरीबडी वॉज अफ्रेड ऑफ दिस, वॉज अ न्यू वायरस. किसी को पता नहीं था इसके बारे में, ये क्या परिणाम करने वाला है, कौन कौन से अवयव पे परिणाम करने वाला है, इसके लिए ट्रीटमेंट क्या है. तो ऑल द पब्लिक वर इन अ पैनिक मोड, इवन डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर्स, एवरीबडी वॉज इन अ पैनिक मोड. और जब ये ज़्यादा पेशेंट शुरू हो गए, तो हमारे पुणे में वो नायडू हॉस्पिटल है, नायडू हॉस्पिटल एक इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल है, वहाँ पे जब ज़्यादा पेशेंट भर्ती होना चालू हो गए, तो नायडू हॉस्पिटल में हमारे ससुन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को, तज्ञ डॉक्टर को उन्होंने साथ दिया कि आओ हमारे हॉस्पिटल में ये पेशेंट लोग आ रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट आप कराने की कोशिश करो. तो उनके साथ को हमने इमीजिएटली प्रतिसाद दिया. हमारा मेडिसिन डिपार्टमेंट, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट और पल्मोनरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो तज्ञ डॉक्टर है, वो वहाँ पे जाकर उन्हें ट्रीटमेंट देना चालू किया. 2 महीने तक हम वहाँ पे ट्रीटमेंट देते रहे, और 2 महीने में हमने ऑब्जर्व ये किया कि ये पेशेंट लोगों को कैसा ये बीमारी आ रहा है, क्या सिम्टम्स क्या आ रहे हैं, इनको ट्रीटमेंट कौन सी लागू पड़ रही है, बिकॉज कोई भी ट्रीटमेंट इसके बारे में किसी को भी पता नहीं था. और जब ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को ध्यान में आ गई, तो उन्होंने बहुत स्वाभिमान से हमको
मन की बात के प्रोग्राम में 63rd मन की बात का प्रोग्राम था, उसमें उन्होंने हमको कॉल किया, उन्होंने हमारी राय ली, ये पेशेंट कैसे बर्ताव कर रहे हैं, ये पेशेंट के बारे में, ये बीमारी फैलाव न होए इसके बारे में क्या क्या सूचना देंगे आप पब्लिक लोगों को, और उन्होंने हमसे राय ली कि क्या ये बीमारी हम पूरी तरह से नष्ट कर पाएंगे इन कमिंग फ्यूचर. तो हमने बहुत कॉन्फिडेंटली फॉर ब्रिंगिंग अस द लेटेस्ट ऑन द सेम एज वी लुक फॉरवर्ड टू पीएम्स 100th एपिसोड ऑफ मन की बात टुडे व्हिच विल बी ब्रॉडकास्टेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब.